इमेजिन करो कि दो बेहद खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे घर में घुस आती हैं और तुम्हारे साथ जबरदस्ती गपागप करने लगती हैं। अब इस कंडीशन में मेरे कुछ ठरकी व्यूअर्स को तो मजे ही आ जाएंगे, पर रुको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस मूवी में एक आदमी के साथ बिल्कुल ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब आगे चल के हमें देखना है कि उस आदमी के साथ क्या क्या होता है, तो ये देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो यार, बिना और किसी बकचोदी के स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन को। मूवी स्टार्ट होती है और हम लोग इवान नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ बैठ के यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। हमें पता पड़ता है कि आज के दिन फादर्स डे है और इसके बच्चे इसके लिए केक बना के लाते हैं। वो अपने बच्चों को ट्रीट देने के लिए इवान उनसे कहता है कि आज हम लोग बीच पे चलेंगे। पर जब बीच पे चलने का टाइम आता है तो इवान अपने बच्चों से कहता है कि मुझे कुछ इंपोर्टेंट काम है और तुम्हें ही अब जाना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि इवान अपनी वाइफ को बच्चों के साथ बीच पे भेज देता है खेलने के लिए। अब हम देखते हैं इवान रात को अपना काम कर रहा होता है, तभी हम देखते हैं उसकी डोर पे नॉक नॉक होती है। इवान के घर के बाहर दो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़कियां खड़ी हुई थी। इवान उससे पूछता है कि तुम दोनों अकेले यहाँ पे क्या कर रही हो और बाहर बारिश भी हो रही है। तो वो उससे कहते हैं कि हमारा फोन खराब हो गया और मैं तुम्हारे फोन से कॉल करना चाहता। अभी बात सुनकर इवान भी उन्हें अंदर आने देता है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बारिश भी हो रही थी। वैसे तो मुझे पता है कि मेरे आधे से ज्यादा व्यूअर्स की जो शक्ल है वो बहुत ही ज्यादा गंदी है और उनके घर पे कभी कोई ऐसी लड़की आएगी भी नहीं। पर एक प्रो टिप देता हूँ, अगर वो लड़की कोई ऐसी आए भी तो उसे घर में कभी भी मत घुसने देना, क्योंकि कोई पता नहीं तुम्हारे साथ भी वो हो जाए जो इवान के साथ अब होने वाला है। यार गाइस एक बात और, मेरे जोक्स को आप लोग बिल्कुल भी ज्यादा सीरियसली मत लेना, ये सिर्फ मैं मजाक में कह रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि इवान उन लड़कियों को घर में घुसा तो लेता है, पर ये उसकी सबसे बड़ी जिंदगी की भूल बनने वाली थी। हम लोग देखते हैं कि इवान उन लड़कियों के लिए पानी गर्म कर देता है और उन लोगों के लिए कपड़े भी निकाल देता है और उनसे कहता है कि अब तुम लोग जाके नहा सकती हो और उन्हें नए कपड़े भी देता है। इवान उनके लिए कैब भी बुक कर देता है जो कि सिर्फ 45 मिनट में उन लड़कियों को लेने के लिए आने वाली थी। हम लोग देखते हैं इवान उन लड़कियों के लिए चाय भी बनाता है, जिसे देखकर हमें ये पता पड़ता है कि वो एक जिम्मेदार पति के साथ साथ जिम्मेदार बाप भी। हम लोग देखते हैं इवान उन लड़कियों को चाय देने के लिए जा ही रहा होता है। वो लड़कियां इवान से बेशर्मी से बातें करने लगती हैं और अलग अलग हरकतों के साथ उससे मजे लेने लगती हैं। इवान को उन दोनों लड़कियों की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, तो वो वहां से उठ के चला जाता है। हाँ तो भाई मेरे प्यारे प्यारे अखंड सिंगल व्यूअर्स, मुझे पता है कि इवान की जगह अगर तुम लोग होते तो अभी तक उन दोनों का काम पूरा कर चुके होते, लेकिन हमें यहाँ पे इवान से एक बात सीखनी चाहिए कि जब अगर तुम्हारे पास खुद की बीवी हो, खुद की गर्लफ्रेंड हो या फिर तुम लोग रिलेशनशिप में हो, तो भूल कर भी किसी और लड़की पे डोरे मत डालना। ये तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को दर्शाता है। यहाँ पे हमारा इवान भाई साहब किसी तरह से उन दोनों से अपनी जान बचा के बाहर जाके चेयर पे बैठ जाता है और देखता है कि टैक्सी कितनी देर में आने वाली है। टैक्सी को आने में अभी 5 मिनट बाकी था और लो जी यहाँ पे तो टैक्सी आ भी गई। लोग देखते हैं कि इवान उन दोनों को बुलाने के लिए उनके रूम में जाता है, पर हम देखते हैं कि वो दोनों नहा रही होती हैं और अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही थी, तो इवान अंदर ही घुस जाता है। भाई तू तो बड़ा बेशर्म निकला। तो फाइनली अपने इवान भाई ने भी एक असली ठरकी आदमी वाला रंग अपना दिखा दिया है, क्योंकि कहां तो वो जेंटलमैन बन रहा था और कहां वो उन लड़कियों के सामने ही बाथरूम में घुस गया। अब आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज से हम इवान का नाम ठरकी इवान रख देते। तो चलो देखते हैं कि ठरकी इवान जब अंदर घुसता है तो उन दोनों लड़कियों को अपनी बिल्ली के साथ खेलते हुए देख लेता है, जिसके बाद इवान का जो गॉडज़िला था वो भी जाग जाता है और उसे मजबूरन उन दोनों के साथ घपागप करना पड़ता है बाथरूम में ही। अब ये लोग अपने घपागप करने में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि बाहर टैक्सी वाला भी खड़ा है, और फाइनली टैक्सी वाला भी अपने घर चला जाता है। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि इवान की अभी अभी आंखें खुली और वो अभी सो के उठा है। वो सोचता है कि लड़कियां जा चुकी हैं, लेकिन नहीं, वो लड़कियां उसके किचन में खाना बना रही थी और ये बोल रही थी कि इवान का देखा तुमने कितना बड़ा है, और उनकी इस बात को इवान भी सुन लेता है, जिसे सुनकर उसे अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है। खैर दोस्तों ये तो रही मजाक की बात। हम लोग देखते हैं कि इवान उन लड़कियों को धमकाने लगता है कि तुम लोग मेरे घर में ऐसे क्यों घुसाई हो और मुझे परेशान क्यों कर रही हो। हम लोग देखते हैं कि वो लड़कियां उसके घर में जो उसकी वाइफ के आर्ट थे उनको भी बिगाड़ने लगती है। अब इवान उन्हें धमकी देता है कि मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा और तुम्हें यहां से जाना पड़ जाएगा। तो हम देखते हैं कि वो लड़कियां खुद ही मान जाती है और इवान के साथ उसकी गाड़ी में बैठ के चली जाती हैं, जिसके बाद इवान उन्हें एक स्टॉप पे छोड़ देता है। हम लोग अब देखते हैं इवान अपने घर में आ जाता है और अपने सारे बर्तनों को साफ कर देता है और रात को अपनी जॉब कर रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पे उसके घर पे नोक नोक होती है और एक फोटो आके गिरती है, जिस फोटो में वो उन लड़कियों के साथ नंगा खड़ा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि जैसी पीछे से आती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। हमला करके वो उसे बेहोश करके उसे एक बेड से बांध देती है, जिससे कि वो उसके हाथ पैरों को बांध देती है, जिससे कि इवान अब हिल नहीं सकता था। हम लोग अब देखते हैं कि जो यहाँ पे बेल होती है वो इवान की जो डॉटर थी उसकी स्कूल ड्रेस पहन के आ जाती है, और हम देखते हैं कि वो उसके साथ जबरदस्ती उसके साथ गपागप करने की कोशिश कर रही होती है और वो ऐसा कर भी रही होती है। और ये करते हुए जो जैसी होती है वो इवान और बेल की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती है
और वो विवान से कहते हैं कि हम इस वीडियो रिकॉर्डिंग को तुम्हारी वाइफ पे भेज देंगे और साथ साथ उससे वीडियो कॉल भी करेंगे, जिससे तुम एक्सपोज हो जाओगे और तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। अब ये बात सुनने के बाद इवान बेल को बेड के नीचे घेर देता है और अपने आप को किसी तरह से छुटा के वहाँ से भागने लगता है। तब यहाँ पे जैसी आ जाती है और उसको घायल करके एक सीट पे बिठा के उसे बांध देती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इवान की वाइफ का असिस्टेंट आता है और यहाँ पर उसे वो लड़कियाँ मिलती हैं। वो लड़कियाँ उससे कहते हैं कि हम इसकी सिबलिंग्स हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी जिसका नाम फिलिप था, वो उनसे किसी तरह से जाता है क्योंकि उसे पीछे से इवान की आवाज़ आती है। हम लोग देखते हैं कि इवान उससे कहता है कि तुम उन लड़कियों से बच के रहना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पर यहाँ पर फिलिप उसकी बात को नहीं सुनता और वो उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर उन लड़कियों के पीछे भागता है। पर तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़की फिलिप का इनहेलर निकाल लेते हैं क्योंकि उसे अस्थमा की बीमारी थी। फिलिप को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है और वो उनसे अपना इनहेलर छीन ही रहा था। तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। हम लोग अब देखते हैं कि वो लड़कियां साइको लग रही थी देखने में और इवान को भी ये सबब प्रूफ के थ्रू मिल गया था। उसे पता पड़ गया था कि ये दोनों लड़कियां साइको हैं। हम लोग देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां फिलिप की बॉडी को ठिकाने लगा देती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इवान को मौका मिलता है अपनी वाइफ पे फ़ोन करने का, पर तभी वहाँ पे जो जैसी होती है वो इवान को पकड़ लेती है और वो उसको भी ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही होती है। हम लोग देखते हैं कि वो दोनों लड़कियाँ इवान को इंटरोगेट करती हैं, उसके ऊपर गन पॉइंट करती हैं। इवान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक्चुअली उसके साथ हो क्या रहा है और ये दोनों लड़कियाँ सच में हैं कौन। हम लोग देखते हैं कि वो दोनों लड़कियाँ इवान के लिए भी एक गड्ढा खोदती हैं और उसे उस गड्ढे में दबा देती हैं। सिर्फ उसका जो सिर था उसे ही ऊपर रखती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वो लड़कियाँ उसे बताते हैं कि वो एक्चुअली हैं कौन। जैसे यहाँ पे इवान को बताते हैं कि हमें यहाँ पे लोगों की रिलेशनशिप तोड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वो यहाँ पर उसे बताते हैं कि हमें लोगों को मारना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, जहाँ पर ये क्लियरली क्लियर हो जाता है कि ये दोनों साइको हैं। इसके बाद बेल इवान को वो वीडियो दिखाती है जिसमें कि इवान ने उसके साथ घपाघप किया था उस टाइम, जिस टाइम उसने उसकी डॉटर की ड्रेस पहनी हुई थी। हम लोग देखते हैं वो उस वीडियो को फेसबुक पे पोस्ट कर देती है और वहाँ पे लिखती है कि सेलिब्रेटिंग फादर्स डे, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग था। हम लोग देखते हैं वो दोनों ये काम करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब इवान यहाँ पे किसी तरह से उस वीडियो को हटाने की कोशिश करता है, पर गलती से उससे वो वीडियो लाइक हो जाती है और पोस्ट भी हो जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों इसी के साथ ये दिखाते हुए ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो गाइज, मैंने इस वीडियो में पहली बार रोस्टिंग करी है। अगर आपको सच में रोस्टिंग अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, जिससे कि मैं फ्यूचर में अपनी वीडियोस में रोस्टिंग को ऐड कर सकूं। एंड साथ ही साथ इस वीडियो में कमेंट करके जरूर जाना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसी कॉमेडी, फनी और एंटरटेनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।